ये कहा कि जब गोपीचंद स्नान करने के लिए बैठा और उसकी माँ ने जब उसका सोने के समान शरीर देखा तो आंखों में पानी आया, हे परमात्मा इतना ही सुंदर इसके बाप का शरीर था और एक दिन काल इसने भी खा जाएगा। क्या नजारा देखा, दादा ने क्या लिखा है, गोपी चंद हुआ प्यार नारण लोगो चो की तुरती अरे घटा बादली ना अंबर में या बूंद कड़े पे आई वो गोपी चंद होया प्यार नारे गोपी चंद होया प्यार नहाण में चौकी तुरंत बैसाई घटा बादली नांबर में अरे बूंद कड़े पाई कमर पा बूंदा कपड़ी चुगड़ना लखाया। चोगर देने देख लिया और चोगर देने देख लिया नहीं समझ में आया बादल बरसात करे तू ए मालिक तेरी माया दम ईसा अचंबा हो जा कापण लागी काया चारों तरफ लखाया की छज्जे ऊपर नजर गई छज्जे ऊपर नजर गई खड़ी रोए जननी माई गड्ढा बादली ना अंबर में भूत करे ते आई मुरे गोपी चंद होया प्यार नारे ये भगवान परशुराम युवा मंडल मीता थड़े 100 रुपए से और मान सम्मान सजाई करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। रामकेश भाई मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद। सुना मां सारी हुया हाल बे हाल तेरा क्यों नाते चल जारी सी रानी लड़ी तेरे पे साच बता मैं तारी कमल तकी तेर करुणा कमल तकी तेर करुणा गर्दन न्यारी और गोपी चंदे लाडला बेटा गोपी चंदे लाडला बेटा मां कर ले तेरी सुना कटा बादली नांबर बूंद कड़े पे आई गोपी चंद होए प्यार नारे चौकी तुरंत पे छाई कटा बादली कटा बादली मेरा प्यार भी तू है ओ ये बहार ओ मेरा प्यार भी तू है ये बहार ओ तू ही नजर तमन्ना तू ही बहार
बहुत से अशोक भाई शोर पे शोर मान सम्मान घोषला जारी करते हैं, बार बार धन्यवाद। विक्की शर्मा हमारे साथी भाई शोर पे और देते हैं बार बार धन्यवाद जी पहलवान, शोर पे से मान सम्मान किया परमात्मा और ऊर्जा दे, जीवन में बुलंदियों को छुए बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। जिस समाज में जन्म हो जा, जिस वातावरण में जन्म हो जा, उड़ा रहना तो पड़े जमाने जा भी कड़े लेकड़ के। ये सनातन धर्म है, ये सत्संग का माहौल, पीले भक्ति रस का प्याला, रटले ओम नाम की माला, जुनसा धर्म गृहस्थी वाला, फिर समझ तो इंसान से ना तो पशु बतेरे रहे आनंदी भोग, तन सावित्री का भी कुछ ध्यान से सुन, साजन मेरे हो रही सब ब्याहन जोग। कथाओं का माध्यम से अनेक बातें देख देश के खुलती है, कोने आखना तो सबके मैं बता रखी है, निबड़ा उसका भी कोई जीना नहीं है किसका। सर कन्या से उस मानस का के जीना हो जिसकी दुखिया मां से जीवन में जिए जा, जीवन में जिए जा, जीवन का केरा से तेरा हुआ हाल बेहाल तेरा, हुआ हाल बेहाल तेरा, तू किसने आर सताई बादली नाम बूंद करे आई गोपी चंद्र नार नार छोटी तू तने छाई घटा बादली हो घटा बादली नार किया बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ एक गोपी चंद नींबू चढ़ लग्या, गोपी चंद नींबू चढ़ लग्या, गैरी व्यक्त पड़ी से कड़ता कोन्या मैं नोशे लगी जाड़ी से, अच्छी बात बता दे किस में एकरी चीज आड़ी से, सच्चे ऊपरी नजर गई, सच्चे ऊपरी नजर गई, मेरी जननी मात खड़ी से दादा जगन्नाथ, दादा जगन्नाथ के गोपी चंद में फिर नीची नार झुकाई, घटा बादली नाय अंबर भूत करे आई गोपी चंद होए नार नार चौकी तुरंत बचाई, ओ घटा बादली ओ घटा बादली नाय अंबर में। ये भाई और जुगवीर खेदड़ गांव से बहुत सारा मान सम्मान पहले 100-100 रुपए से और मान सम्मान उसरा जारी करते हैं बार बार धन्यवाद। हे माँ तेरी आख्या के माँ देख कासू छाती के माँ घास है, भली बुरी करने आड़े के पण का पण में सर का न्यास है, उस मानस का के जीना हो जिसकी दुखिया मास है, और भला जीवन न तो जिए जा फिर जीवन का के राज है। हे माँ तेरा बेटा राजा
तेरी आंखों में पानी है। कौन सी रानी तेरे तो लड़ी, किस नौकर ने बेअदबी करी, मैं डरसे शर अलग कर दूंगा तू तो उसका नाम अपने मुंह तो उचार दे। निबली बेटा किसी की बेअदबी नहीं, और सारी बात बताई कि बेटा ऐसा ही सोने के समान शरीर तेरे बाप का था, वो भी उसको भी काल ने खा लिया। अरे बेटा एक दिन तने भी काल खा जाएगा। मेरा जी कर सके कि बेटा तन जोग देवा दू, मैं तना अमर करा दू। हे माँ किसने बका दी तू, एक बात में गोपी चंद बेटा मरे अगत की साधु आले दुख माता क्यों पर लू काया प्रजे साधु आले दुख माता क्यों पर लू काया प्रजे मेरी मन खेल खान दे मन खेल खान भगवान परशुराम युवा मंडल मिताधड़ शोर पे शोर मान सम्मानों से लगाई करते हैं, बार बार धन्यवाद। वीपीआर म्यूजिक कंपनी आज का कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे सतीश भाई शोर पे शोर मान सम्मानों से लगाई करते हैं, बार बार धन्यवाद। धन्यवाद रामवीर पहलवान जी हमारे साथी आदरणीय भाई शोर पे शोर मान सम्मानों से लगाई करते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। सताई गांव के रहने वाले सोनू भाई सौ रुपए से मान सम्मान हौसला जारी करते हैं, बार बार धन्यवाद। आज का कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हरिओम रागनी चैनल काफी नाम पहले सौ रुपए से विवेक भाई और मान सम्मान हौसला जारी करते हैं, हरिओम रागनी चैनल का बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
तू राज महलों में रहती, रात से ठाक बात से तने जीवन गुजारा। अरे बाबा कहीं देख के त्राऊ जी कर गया, वो जीवन बड़ा कठिन। राज बिना कोई इज्जत नहीं है दुनिया में। आज भी ये हान हम मारे मारे बाजे बाजे केला रे को रुपया ही कमी है, कोई कमी ना है। वह राम राम छुट रही है जिसका राज घूर है, वो डां डां करता दूसरे की बुराई करता हन है। वह जो तू भी हिंडिया कर दीवाना उड़ती ना पीछे दिन का बतेरे है, पर वो थन छूट रहा है उस खातिर मारा जुगर बाछड़ू मुंह मारे आ रहे बाज बाज। जो बो दिया वो जरूर जामागा, कदे किसी ने न्यूबैम हो चोरी छुपे बो दिया किसी ने दिखेगा नहीं नहीं। आज नहीं दस दिन पाछा वो जामागा वो दिखेगा, कदे किसी का न्यूबैम हो दिखेगा नहीं दिखेगा दिखेगा ना चाचा। हाँ कोई किकर बोया और तस्मान सामने कदे आम बो दिया है गेट्स दशहरी गेट्स को डाला दिया है, सब ताली बजा देंगे ले वो तोड़ कर दिया फलाने नाम लाए दिया। वो जमगा नहीं के जो न्यू कथा हम बोरा क्या जमगा जो बो दिया वो जमगा टल नहीं सकता क्या बो दे। हे माँ तुम बावली हो रही है बात नहीं बनेगी क्या दे। राज मुकदमा छाड़ना राज बनाना इज्जत जग में राज बना तो चाड़ना राज बना इज्जत जग में राज बना मेरी मेरी और ध्यान दे शास्त्री जी पंडित जी दाणी माँ उसे 100 रुपए से मान सम्मान सजाई करते हैं। बार बार धन्यवाद है भगवान परशुराम युवा मंडल मिता थड़ 100 रुपए से और मान सम्मान सजाई करते हैं। बार बार धन्यवाद है निवला है माँ। रावण समुद्रा पार ले गया सीता ने और सब के बसमा कर लिया निवला मेरा सब के बसमा से देवी देवता सब कह दम से हे माँ। वो भी मारिया वो बचाए नहीं रणा कुछ कैसे जी बोला धरती मरू ना आसमान में मरू ना पशु त मरू ना मानव त मरू ना जन्म मरू ना रात न मरू ना अस्त्र त मरू ना शस्त्र त मरू ना 12 महीने मरू ना वो भी मारिया काल से को बचा नहीं। इतने जन्म से काल आओ है इस बीच में किसाए खेल खेल लो मर्जी धारी है इस बीच का खेल है कम्मा कमा लो इस बीच में चाहे जमा नीच काम कर लो अर्चा धर्म के काम कर लो मर्जी थारी। बोले तेरे बिना मेरी मेरी शर्ती भी नहीं तेरे बिना तो बोले सरता भी नहीं और तेरी मन जरूरत भी नहीं दे ऐसा जमाना है तेरे बिना तो मेरा काम भी नहीं चल लगा पर तेरी जरूरत भी नहीं है क्या जमाना क्या ले गया। सिंगर केडी सावड़िया गायक कुलदीप सावड़िया हमारे शिष्य हैं बहुत बढ़िया गाने वाले मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। ओए वासुदेव अरे ना कुछ रावण वासुदेव अरे ना कुछ रावण कुंभ
धर्म में भी जब इसे इसे जब चले गए चुप कर बच जा तेरा लाल इसे इसे चले गए छोटा पहलवान छोटा बेटा और मान सम्मान करता है परमात्मा लंबी उम्र हो बार बार धन्यवाद इनके स्टूडियो सौ रुपए से मान सम्मान हौसला जाई नरेश भाई करते हैं बंदूक तो राम नगर और गोथे मंदिर महल चौबारा ओ राम नगर गोथे मंदिर महल खेड़ी गांव से 100 रुपये और देते हैं बार बार धन्यवाद। अनिल शास्त्री जी पास हो रिया शासन है इनका 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं भाई को धन्यवाद। रामकेश भाई 100 रुपये से और मान सम्मान सजाई करते हैं बार बार धन्यवाद। कृष्ण जी दास जगन्नाथ जी की कविताई के नाम के स्पेशल 100 रुपये कृष्ण दराना बार बार धन्यवाद धन्यवाद। ये खेतड़ गांव से सुरेंद्र फौजी साहब और जुगवीर काफी नाम पहले 100 रुपये से और मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। तो राजा धारू की माँ का बैम हो गया राजा धर महाराज बनाया ही कान पड़वा दिए और महाराज बनाया ही घर आई फिर वे 12 कन्या 16 रानी सारी नगरी टक्कर मारे पिछोरी भी न्यू कहा मारा बाबू ले कहा वे रानी न्यू कह राजा ने ले कहा सब कुछ उदास हो गया सारी नगरी सब सन्नाटा छा जाता राजा था जद करके बाबा बनाया ही महाराज बनाया ही उल्टा राजा ना बनाया गया फिर उल्टी पहुंची उड़े उड़ ढांडे टक्कर मारती खूब फरियाद करती रे मेरे गोपी चंद मिला दो वे नहीं बोले तेरा कोने मारा होलिया नहीं बोली रे
जिसने 9 महीने पेट में रख के पाल पोस को जोड़ करया, और एक रात में मेरा सारा खत्म, एक रात में थारा हो गया कि मारा हो गया। बार बार टक्कर मारती रही वे साधु ने बोले गोपी संतरी मारो वो है। वे बाबा उसने लेकर आए ने बोला माँ क्यों रो है हेरी क्यों रो गड़े करनी आजे क्यों रोई शर्मा चली जाए के बेटे का गढ़ करनी मऊड़े था घरा जब तन रही डाल दी फांसी ला दी मैंने कितनी समझाई तने उड़ा भी नहीं टकर दिया। अरे बड़ा तो मेरे बात समझ में कुछ कुछ आई है बात क्या अभी मन नहीं टकन देगी तू राजी थी ना ताज शीस पे रखन दिया हन फाड़ा करे कर राजी थी तने ना चकण के ना छकण दिया तूने पे भी फैल करे तने घर पे भी ना टकण दिया तूने पे भी फैल करे घर पे भी ना टकण दिया मेरी माँ नो नो मन आ आज क्यों रोई खा परे परनी क्यों रोई चली जाए बेटे का करे मंडल मिता थड़ 100 रुपए से और मान सम्मान सजाई करते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मालिक था मालिक था राजपाट का मालिक था तन वर्ण बड़ा गवा दिया रिश्तेदार असना प्यारिया के ना का दड़ा गवा दिया और 12 कन्या के बापू ते अस्तर खाड़ा गवा दिया सोरा का के हालत में सब तेरन सारा जवा दिया सोरा का के हालत में सब तेरन सारा जवा दिया मेरी माँ ऊपर पे
ते पिसंद में तो जमीन आसमान का अंतर ओके था इनको पिसंद के है के है। राजकुमारा नहीं रहा इब गोपी चंद सिद्धनाथ हुआ ऐस अमीरी तज के माता सिद्ध संतों के साथ होया पार्लियामेंट असेंबली रे छोटी दफ्तर जोग समाट होया इस कमरन देश बंगाल का महाराज पाठ तेरे हाथ होया महाराज पाठ तेरे हाथ होया अरी सुने तारा की ताजो खोश शरे ओ तरणी नाचे दूरोही सिनमा चलीजा बेटे का करे नाचे दूरोही सिनमा चलीजा बेटे का करे तरणी करे सा गई चिंता मिटी सा गई चिंता मिटी फिर मनवा बेपरवाह जिसको कुछ ना चाहिए वो शान का सा हे मां ई मन कुछ नहीं चाहिए के बात ओ ये ना मारा ए ना मारा ता सराया हरी ना मारा कोता सराया ओ ये ना मारा कोता सराया अरे ना मारी खोदास रही इस तारा में तू है बसिए हमने ना कोई कोई ख्यास रही धन पच्छिन समर जमुआ में लाग जड़े त्रियास रही नगर नंदाना जुग जुग बसियो यह मारी अरदास रही नगर ने दान जुग जुग बसियो यह मारी अरदास रही हेरी मां हो जागी पर लबा पार हाथ में खाले राम सुमरनी दूरी चली था ये जुगवीर भाई और सुरेंद्र भाई खेतर से 100 रुपये और देते हैं बार बार धन्यवाद है और 100 रुपये स्पेशल इनाम कपिल उस्ताद के नाम से। देखो कितना छोटा सा बच्चा सारे हरियाणा की भंभीरी बुला रहा है इससे बढ़िया कोई बजाने वाला नहीं एक बार जोरदार थाली बजाओ छोटी सी उम्र में कितनी बढ़िया कला भगवान ने इसको दी है ले नाम करे आराम। देखो हे माँ मैं सांच कह दूंगा तेरा हृदय दुख पाओगा रे बेटा के बात मेरे अमर होने की उसकी इतना जरूरत नहीं थी तेरे भीतर एक स्वाद था वो स्वाद था वह इच्छा थी क्या की वह थी राजकरण की
और तेरे रास्ते में मैं रोड़ा था तो ना मैं हटा दिया, मेरे हटे बिना तेरा राज नहीं था वह। अरे मेरा जब मैं मैना तू धारी बड़ा बाबा माँ का जब सतगुरु का मेरे को ज्ञान हुआ, सतगुरु ने मेरे को ज्ञान दिया, जब मेरा होश आया मेरे समझ में आया तो वह अमीरी वो राजपाठ एक अन्य का विनाश हुआ मेरे समझ में आ गई है। इब तो उसने तू ही संभाले। वो एक न्यू कह था निवला पांच बुद्धिजीवी गौर से सुनिएगा, निवला पांच सोने की मोर चाहिए जब काम चल रहे पंडित जी था, और निवला तड़के चाहिए जरूर। एक का साथी था कितना जुगाड़ ना बना रहा इतना दुखी हो रहा, निवला तड़के पांच सोने की मोर चाहूंगी। निवला भाई कितना व्यंत नहीं है, पर एक काम कर ले राजा, सुबह सुबह जो पहला भिक्षुक पहुंचता है निवला राजा तड़के तड़के दान करे से, और जो पहला भिक्षुक पहुंचता है उसको मुंह मांगे गाल से क्या मांग ले वह चीज मिले है। निवला कै बजे, निवला चार बजे तड़के नहा धोकर ढाई बजे जा लिया दरवाजे पर, चार बजे दरवाजा खुलिया राजा आया, आया ना जोड़ के राम राम करी निवला के बात, निवला जी मैंने ये सुनया है जो पहला भिक्षुक आता है उसने मुंह मांगी भिक्षा मिले से, निवला मुंह मांगी मिलेगी बोल के चाहिए वाई मिलेगी सही सुनी। निवला जी मैंने पांच न्यू कह के थम गया, पांच सोने की मोर चाहिए थी, न्यू कह के थम गया, सोचने लग गया रे दे तो गाय हाँ तो भरे राज, फिर पांच भी क्यों मांग, पत पन से भी मांग सके है। वो निवला भाई मांगे वो पन से मांगने लग गया, इतना फेर आवाज आई रे बेकूफ पन से भी क्या मांग, पांच हजार भी मांग सके से दे तो गाय। वो निवला रे मांगे, निवला जी मैंने सोचने दो, राजा हंसन लग गया, निवला आराम से सोच ले मैं बगीचे का एक चक्कर मारिया हूं, तू इतना आराम तो सोच ले तन के चाहिए। फिर सोचने लग गया यार पांच हजार के पचास हजार भी मांग सकूं, पांच लाख भी मांग सकूं, वह जीरो बढ़ती चली गई गदागत गदागत। फिर सारा राज खजाना मांग ली, बोलिया फिर राज भी मांग सकूं दे तो गाय कसर भी केस है। फिर राजा उल्टा आया बगीचा चक्कर मार के, जो राम बिराव देखा कुर्ता भी बढ़िया पहरिया है कि कद ऐसा मैल मोर कुर्ता ना हो, यो कुर्ता भी मांग लियो। अरे न्यू का दू राजा कुर्ता काट राजपाठ मन देर तू चल दे। वो दोहरा निवला भाई सोच लिया, निवला सोच लिया के निवला राजा यो कुर्ता भी काट और सब राजपाठ मन दे दे और तू चल दे। राजा ने सुनया थोड़ा हांसया, फिर तीन बधरती चुस्कारी नरेश, तीन बधरती चुस्कारी। फिर निवला हे परमात्मा जिस आदमी का मेरे को बरसों से इंतजार था आखिर तनाज वो भेजे दिया, और काट के कुर्ता और निवला भाई लै बोलिया इसने संभाल भाई तेरा रहा। पंडित जी कहने करया नहीं, फिर वो न्यू काप गया रे सारा सौदा रे एक मिनट में दे, कदे इसका मां को अजलत हो। फिर उल्टा हट गया निवला डटे, निवला पकड़े, निवला डटे, निवला रे पकड़े। निवला भाई मैंने सोचन दे, निवला रमन ने भी तो इतने दिन में सोचा है ये कुर्ता पैर तू सोचे जाइए जा बोलिया तेरा ही रहा। निवला मन भी तो इतने दिन में सोचा है इतनी बतेरी उम्र पड़ी है कुर्ता तू पहर ले, अरे इसने तू सोचे जाइए तेरा ही रहा है कुर्ता। हे माँ इब तू उस्ताद ने सर पर धरी, अरे मन तो सोच ली मेरे तो समझ में आ गई जो आनी थी, इब तू ताज ने सर पर धर खूब सोचे जाइए सारी उम्र तेरी मर्जी है। वे और आगे निवला रे तेरे आखिर ने तेरी माँ से इतनी करड़ी मत के, आखिर ने तेरी माँ से या रो से निवला रे या मेरी मारी नहीं रोती, और मेरी मारी नहीं रोती, निवला रे मेरी मारी नहीं रोती। निवला और क्या करो है रैया लोग देखावा जोग देवावन आई जोग देवावन लोग Thank you.
के दवावण बड़ी चाल कन थाड़ा कर दिया महिपाल इन सोरा का के हालत करके रांड बखावण आई ओ प्रभात मास्टर जी 100 रुपये और भगवान परशुराम या मंडल 100 रुपये और हे मां तेरे एक आदेश से मना राजपाट है समीरी छोड़ दी अरे तू फेरा डाली मन ए समीरी ना रोगी तेरे कहने पे बन गया सोगी मेरा पाग बीच सतगुरु को भी मेरा पशा बसाया होगी किसी गंगा पर की होगी रे जन जन बेटे खावड़ आई चैनल से विवेक भाई 100 रुपये कपिल के नाम स्पेशल और इनाम बार बार धन्यवाद धन्यवाद मन बहुत जना इनकार करया तन आंगे पे लाचार करया कोशिश करके प्यार करा तो न धक्के दे दे प्यार करा आज की सायो प्यार करा खुद करते पावर आई बाबा मुखराम दास डेरी चाचा पप्पू 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं चाचा ईश्वर जी 100 रुपये और देते हैं बार बार धन्यवाद विक्की भाई हमारे साथी 100 रुपये और देते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद राजी होगी घर पे ताके पूत का प्रेम किसा मतला राजी होगी घर पे ताके श्री दंपत सिंह ताज साके अरे राज के लोग पीछाने बेटे का हुक्म डगा के अपना रोब जमावने आई जुगवीर भाई सुरेंद्र भाई खेदड़ से 100-100 रुपये से और मान सम्मान उपजाई करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद एक रागनी और आपके बीच में इसी किस्से से इसमें सारा इतिहास आलेगा बाबा भी बन गया 12 साल यात्रा पर रहा गोपी चंद फिर एक दिन याद स्मरण हुआ याद आई किसकी अपनी बहन चंद्रावल की
ढाडी होरी जटा बढ़री बाबा का भेष 12 साल संतो में घूम के और अपनी बहन चंद्रावल के दर्शन करने चला गया और दरवाजे पे एक बांदी ने रोक लिया कि रे कौन है निहला कि मैं अपनी बहन के दर्शन चंद्रावल के करने आया हूं। निवली रे बाबा जी हल जबान संभाल के बोल, चंद्रावल का भाई राजा है और तू एक फकीर है, जब मैं की बात करता गोपीचंद आशा निवला मैं ही हूं गोपीचंद, ये समय की बात है तब और बाणा था जोर बाणा, मेरे को मेरी बहन की याद आई मैं उसके दर्शन करने आया हूं। निवले रे गलहाना से कि मैं गलहालेर चल दे जद पाड़िया रहा, अरे बांदी जाके भीतर निवली महारानी एक साधु द्वार पर खड़ा अरण्यु कस अपनी बाण चंद्रावल के दर्शन करके जाऊंगा। गुस्से में चली निवली रे क्या बकवास करता है, मेरा भाई एक रियासत का राजा निवला है चंद्रावल, मैं तेरा भाई गोपीचंद मैं तेरे दर्शन करने आया हूं। निवली रे तेरी मड़ी मड़ी ऊनी यार तो आओ से मेरे भाई कैसी पर रेन्यू क्यों करो और मैं क्यों कर मानू तू गोपीचंद है निवली निवला है चंद्रावल क्यों कर मानना की जो कर तेरा जी करा निवली भाई पर मेरा पेटा भरे क्यों करे, मेरी बात सुनिए भाई चंद्रावल मैं तेरा भाई गोपीचंद ना भाई, थोड़ा थोड़ा लागे पर नहीं लागता मन, थोड़ा थोड़ा लागे पर नहीं लागता, हाँ पेटा नहीं भरिया नगर नगर किसके जाए मेरा बेटा भर दे भाई। निवले रे मैं बूझूंगी वे बात बताइए, बतानी पड़ेंगे भाई कॉल फट जाएगा, ये क्या पूछेगी अरे कौन नगर किसके जाए भाई। ये पद्मसेन से नाम पिता का वो मैना वनती माई वो मैना वनती माई पद्म सेन से नाम पिता का और मैना बनती मालिए मेरे कौन नगर किसके चाहे मेरा पेटा भर दे भाई, माँ बाप का नाम बता, ये पद्म सेन से नाम पिता का मैना बनती माई, अरे ये तो पूछ लिए होंगे भाई गांव में, माँ बाप का नाम, माँ बाप का नाम तो पूछ लिया होगा, माँ बाप का नाम तो पूछ लिया होगा, मेरी बात सुनिए और पूछूंगी भाई और पूछेगी, से खान दान में का लड़की का लड़के देखे न्यू बुजू संतान में, जय मेरा बेटा नहीं भरिया तो तेरे पकड़ लू कान में, जय मेरा बेटा नहीं भरिया तो तेरे पकड़ लू कान में, चंद्रवंशी खानदान में दादा पर तू नाम से पदम फेम से जिसका जाया धारा नगरी धाम से, पद पद पर प्रमाण मिलेगा गोट बना ला गाम से, पद पद पर प्रमाण मिलेगा गोट बना ला गाम से, पद पद पर प्रमाण मिलेगा गोट बना ला गाम से, तो किस किस की मेरे तू होगी, किस किस की मेरे तू होगी, किसकी कोने आई वे दोनों जालिए स्वर्ग पूरी में अमरापुर की राई अमरापुर मेरा नाना कब तब मेरी माता का पीर से
माता का वीर से कुल से शहर नगर में रहते घर में के जागीर से कुल से शहर नगर में रहते घर में के जागीर से कुल से शहर नगर में रहते घर में के जागीर उज्जैन शहर स्थान से अनुज विक्रमा बराबर थ्री में नावंती बाण से पिंगला मानी बैरन कहिए देहु की बेईमान से किसने गठड़ी खाई निबली जब मेरा मेरा ब्याह करे आज मेरा ब्याह लेके कौन सा बामणा आधार गठड़ी लेके कौन सा नाइया था जो सवाल है हाँ ओए कौन कौन आए मेरा ब्याह लेके ओए कौन कौन आए मेरा ब्याह लेके ओए किसने गठड़ी खाई वो गंगा राम वो गंगा राम ब्राह्मण संग में वो राम लाल था नाई ओ राम लाल था नाई सिक्के चाहे भोगना बेटा बल दे भाई अंकल जी सतवीर जी 100 रुपए से और आशीर्वाद देते हैं बार बार नमस्कार है धन्यवाद है विक्की भाई 100 रुपए से और मान सम्मान किया बार बार धन्यवाद है धन्यवाद भाई मामा ने क्या दिया था दान में जब तेरा ब्याह था मेरा ब्याह था जब मामा ने क्या दिया मामा ने बात में क्या दिया था बाबू जी क्या कुछ दे दिया कुछ दे दिया मामा ने जब माता ने करी जुहारी कौन सा सन और कौन सा महीना कौन से दिन मेरे ब्याह की तैयारी के कुछ दान के कुछ दान दिया था तन्ने खोल के बता दे सारी के कुछ दान दिया था तन्ने खोल के बता दे सवा लाख मामा ने और ये सोना चांदी थी 84 का सम्मत था जब तेरे राखड़ी बांधी थी 5 लाख का दान दिया और साथ दही वा बांधी थी महीने तू सर लेगी कुन से महीने ब्याही कुन से महीने तू सर लेगी कुन से महीने ब्याही ए चंद्रावल सारा काम मेरे हाथा थ करया उड़ समय के मैं भूल जा रही हूं कुन से महीने मैं तू सर लेगी ओए कुन से महीने तू सर लेगी कुन से महीने ब्याही ए मंगशर सुदी तीज के फेरे माती पांचम मुकलाई माती पांचम मुकलाई साथी रामवीर पहलवान जी उनके चाचा जी सतवीर मीता थड़िया काफी नाम पहले शोर पे शोर मान सम्मान के बार बार धन्यवाद है धन्यवाद और शोर सो शोर पे दोनों भाइयों का 200 रुपए शोर मान सम्मान किया रामवीर भाई काफी नाम पहले और मान सम्मान दोनों भाइयों का किया बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
बेचंद रावण। हाँ भाई तेरा क्या मत तसल्ली बनी? ना भाई पेटा नहीं भरिया। ये क्या मैंने झूठ बताया? इबका तेरी बुझूंगी भाई। इबताई का ठीक से? इबती का तो ठीक है, इब तेरी बुझूंगी, तेरी मेरी। हाँ बहुत से लड़के रानी कुर्सी बड़ी बडेरी रे पटरानी का पटरानी का पटरानी का नाम बता जो भाभी लागे मेरी रे पटरानी का नाम बता जो भाभी लागे मेरी रे पटरानी का नाम बता जो भाभी लागे मेरी। बारा कन्या घर में थी और संग में 16 रानी है, ज्ञानवती को भानवती व पट्टम दे पटरानी है। राजकुमार नहीं कर्मा मनु कर्मा की रानी है, राजकुमार नहीं कर्मा मनु कर्मा की रानी है, राजकुमार नहीं। कितनी उम्र में राज मिलिया? अरे कितनी उम्र में राज मिलिया? तन्ने कितनी उम्र में, कितनी उम्र में राज मिलिया? किस दिन पट्टी में ठाई? कितनी उम्र में राज मिलिया? हाँ हरिओम हरिओम। आदरणीय बुजुर्ग ने आशीर्वाद दिया, बार बार नमस्कार। तन्ने कितनी उम्र में राज मिलिया? कितनी उम्र में राज मिलिया? पता किस दिन पट्टी में ठाई? सुन, 7 साल की उम्र मेरी मेरे माथे तलक चढ़ाई, माथे तलक चढ़ाई। पता भाई 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 ठीक से आरती ठीक बताई थीक। और बुझूंगी भाई। के बुझेगी भाई? उसका और निशानी थी, गुप्त निशानी। गोपी चंद महाराज का पैदाइशी निशानी थी। भगवान मानस के लक्षण भी बुजुर्ग बनु कह दिया भाई, भगवान मानस के लक्षण हो गए। गोपी चंद का पैदाइशी निशानी थी, निवली रे मेरे भाई का निशानी थी। नाम तो कितन कितन तू रट लिया होगा, वे निशानी गड़े तो लिया होगा। मानूंगी गोपी चंद मन माथा बड़ी दिखाइए रे। हाथ के माँ, हाथ के माँ टीका कहिए एक बजड़ में आइए रे। पाया के माँ, पाया के माँ पदम बताया एक में पंजा ठाइए रे। पाया के माँ पदम बताया एक में पंजा ठाइए रे। पाया के माँ पदम बताया एक में पंजा ठाइए रे। पाया पदम ये है, पाया पदम माथा मारी टीका दे खास है। जिला जीव संडील गाम में कर ले में तलाश है। पाले राम हरि की लीला छह रुद्वारा मास है। पाले राम हरि की लीला छह रुद्वारा मास है। पाले राम हरि की लीला छह रुद्वारा मास। ओ हो हो हो, किस कारण ते चुप बैठा? अरे किस कारण ते चुप बैठा? ओ किस कारण ते, किस कारण ते चुप बैठा? तन पुस्तक नहीं छपाई। निवले रे इतने बढ़िया भजन लिख रहा, अरे यो सारा देश किताब छपवा रहा, अरे पाले राम तन किताब ना छपवाई। किस कारण ते, किस कारण ते, किस कारण ते चुप बैठा? तन पुस्तक नहीं छपाई। अरे घर बैठे की, घर बैठे की लख ले जा मेरी कावणिया कविताई। कविताई
मीठा चंद्रावड़ का भगवान परशुराम युवा मंडल मीठाथल से सतवीर जी 100 रुपये और देते हैं बार बार धन्यवाद है। खेतड़ से भाई सुरेंद्र फौजी साहब, मेजर साहब और जुगवीर भाई 200-200 रुपये से दोनों भाइयों का और मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद है।